हे गाइस, आज एक लेसन करेंगे हम पूरा फर्स्ट लेसन बिगनर्स टाइप क्या होना चाहिए जिन्होंने अभी गिटार लिया, एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं बच्चों के, बड़े सारे लोग फिर से शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करें, क्या होना चाहिए फर्स्ट डे से, क्या आप गाने बजा सकते हैं या क्या वो चीज़ है। तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, फिंगर्स अपनी खोल लें, ठीक है। अगर आप बड़ी देर बाद गिटार आपका कहीं पर पड़ा हुआ था, आप फिर से शुरू कर रहे हैं, तो आप उसकी स्ट्रिंग्स चेंज करवा लें सबसे पहले, ठीक है। घर पर भी लग जाती हैं, खुद भी जो मर्ज़ी आप करें, स्ट्रिंग चेंज कर लें और ई बी जी डी ए ई पे इसको ट्यून कर लें, ठीक है। प्ले स्टोर से या कहीं से भी गिटार ट्यूनर आप डाउनलोड करें, उससे ट्यून कर लें। मैनुअली भी ट्यून हो जाती है इस टाइप से। ये हम रेफरेंस लेके करते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग के हिसाब से, ये एक ही उसमें जा रहे हैं, आप देखो इनकी आवाज़ एक ही जैसे आएगी। अगर हम सेकेंड स्ट्रिंग को फिफ्थ फ्रेट पर होल्ड कर लें, एक पे ही जा रही है। अगर हम सिक्स पे करें नहीं होगा, अलग जा रहा है। अगर फोर पे करें अलग जा रहा है। फिफ्थ पे एक साथ, क्योंकि अभी ये कौन सी स्ट्रिंग है, ये हमने जो फ्रेट पकड़ा ये है ई, और ये कौन सी है ई, तो ये दोनों एक साथ हैं। ऐसे हम मैनुअली ट्यून करते हैं, वो बड़ी आगे की बात है, उसको आप छोड़ें। ई बी जी डी ए ई इसको हम ट्यून कर लेंगे सिंपल। क्या करना, हमने अपनी फिंगर्स खोलनी है, ठीक है। जैसे ये है ऐसे, इस टाइप से 1 2 3 4 इस टाइप से, या यहाँ तक, या यहाँ तक, ऐसे किसी भी टाइप से। मैं आपको दो तीन लीड बताता हूँ और कॉर्ड्स भी बताऊँगा, गाने, स्ट्रमिंग, हर एक चीज़ हर एक इसमें होगी। आप बस इसको मतलब थोड़ा सा टाइम देके देखना, ऐसे पेशेंस नहीं अपने लूज़ करना। और गाइस, उन लोगों के लिए सॉरी जो मेरे दूसरे सब्सक्राइबर हैं या जो ऐसे लेसन देखने आते हैं, तो ऐसा करना पड़ता है बीच में कई बार, क्योंकि नए लोग जुड़ते जाते हैं तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है एक दो ऐसा लेसन करना। इसलिए मैं इसी में सब कुछ बता दूंगा, सीधा शुरू करते हैं हम। आप ज़ीरो फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ये सारा जो भी अभी मैं लीड बताऊंगा फर्स्ट स्ट्रिंग पे है। ज़ीरो का मतलब है ओपन, कुछ नहीं पकड़ना, ओपन नीचे वाली स्ट्रिंग। 0 2 3 0 7 5 3 2 0 2 3 0 8 7 नोट करें इसको कहीं पे, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ इस ऑर्डर में ये बजेगा। ये क्या, कौन सा गाना है, अरे रे अरे ये क्या हुआ, वो जो गाना था दिल तो पागल है, उसकी सिंपल सी लीड है फर्स्ट स्ट्रिंग पे। 0 2 3 0 7 5 3 2 0 2 3 0 7 5 3 2 3 5 7 2 3 2 0, ठीक है। 3 5 7 ये थोड़ा फास्ट है, तो आप क्या करना, 3 फर्स्ट फिंगर से बजाना, 5 थर्ड फिंगर से बजाना, इसी को स्लाइड करना 7 पे, एंड देन वापस 2 3 2 0। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, हमने धीरे ही बजाना शुरू में, कोई जल्दबाजी नहीं, तेज नहीं करना। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे से ही गाइस हमने अल्टरनेट स्ट्रमिंग करनी है। 1 स्ट्रोक अप 1 डाउन स्ट्रोक 1 अप स्ट्रोक 1 डाउन स्ट्रोक 1 अप स्ट्रोक 0 2 3 0। हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये वाली लीड आप करना प्रैक्टिस, फिर एक ये वाली है। फाइव 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 सेकेंड स्ट्रिंग पे, 8 8 फर्स्ट स्ट्रिंग पे, 8 7 8 10 7 7 5 7 8 5 5 4 5 5 से 7 स्लाइड। फिर से देखते हैं, नोट डाउन करना आप कहीं पे, ऐसे भूल जाएगा। 5 5 5 सेकेंड स्ट्रिंग पे, 8 8
फर्स्ट स्ट्रिंग पे ऐसे बजना ही है। 8 7 8 10 7 7 5 7 8 5 5 4 5 5 से 7 स्लाइड, एक नोट मारते हैं और उसको स्लाइड कर देते हैं जहां पे भी हमने जाना हो। इस टाइप से दो लीड हो गए, इवेंचुअली हमने ऊपर ऊपर मूव करते जाना। ये नहीं आप एक ही स्ट्रिंग पे बजाते रहना हमेशा, सेकंड स्ट्रिंग पे आए फिर थर्ड स्ट्रिंग पे आए, ठीक है। जैसे ये गाना था वो वाला जो नीले नीले अंबर पे मैंने किया था, अगर आप इसको देखना हो आप वहाँ देख सकते हैं इसको। तो ये मैंने किया हुआ वहाँ पे, अगर आपने इसका देखना होगा। हमने ये हमने हमेशा ट्राई करना कि नेक्स्ट जो चीज़ हम पकड़ें वो पहले वाले से थोड़ी सी मुश्किल हो, थोड़ी सी मुश्किल हो। तो ये रहेगी वो और फिंगर प्रैक्टिस क्या गाइस, ये फर्स्ट यहाँ पे फिंगर, सेकंड यहाँ पे, थर्ड फोर्थ, डाउन अप डाउन अप, हमेशा डाउन अप डाउन अप, ठीक है। हमेशा हमने मूव करते जाना, ठीक है। इस टाइप से ये फिंगर प्रैक्टिस रही आपकी, ये सारा हुआ फिंगर्स खोलने के लिए। आप एक दो दिन, चार पांच दिन, हफ्ता इस पे आप आराम से प्रैक्टिस करना। कोई भी गाना लेंगे हमेशा आप वो करना कि उसको पूरा एंड तक लें, जितना भी चाहे ये छोटी सी चीज थी एंड तक इसको बजाएं। फिर आएगी गाइज कॉर्ड्स की बारी। तो गाइज अब हम करते हैं कॉर्ड्स, हमेशा जो कॉर्ड्स होती हैं वो हम एक पैटर्न में करते हैं। ये नहीं कि एक हम ई माइनर कॉर्ड सीखें और इधर से हम जी माइनर सीख लें, ऐसा नहीं होता। हमेशा जैसे एक कोई स्केल है उसकी उसमें नोट्स होते हैं, ठीक है, फिर वही नोट्स कॉर्ड्स बनाते हैं हमारे फैमिली कॉर्ड्स, ठीक है। मेजर माइनर डिमिनिश्ड होते हैं उसमें, तो यही हम करेंगे। मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। फर्स्ट पैटर्न जो मतलब अगर आप फर्स्ट डे सीख रहे हैं कुछ भी, तो हम ट्राई करेंगे ई माइनर कॉर्ड सीखने की, ठीक है। जो हमारी थर्ड फिंगर है वो जाएगी फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट के, और जो हमारी सेकंड फिंगर है वो जाएगी फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है, सेकंड फ्रेट की। तो ये कॉर्ड आप फर्स्ट डे भी कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। दो फिंगर्स वाला कॉर्ड ई माइनर, ठीक है, डी मेजर करेंगे हम इसी का, ठीक है, इसी स्केल का कॉर्ड है वो भी, जो हमारी फर्स्ट फिंगर हो जाती है थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट के, जो हमारी सेकंड फिंगर है फर्स्ट स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट की, और जो हमारी थर्ड फिंगर है वो सेकंड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट के, डी मेजर। सी मेजर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, जो हमारी सेकंड फिंगर है वो जाएगी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और जो हमारी थर्ड फिंगर है वो जाएगी फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, सी मेजर, ठीक है। फर्स्ट हम शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फोर पे आपने शिफ्ट करना ही करना है हमेशा, अपने आप को आपने वो करना है कि, ठीक है, चेंज करनी है कॉर्ड। डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। दो स्ट्रमिंग पैटर्न हम करेंगे, ये तीन कॉर्ड्स हो गए, ये आप ट्राई करना। इसमें मैंने कम से कम 20 गाने किए होंगे, अगर आपने वो देखने होंगे, ठीक है, मैशअप है वो फॉर एक्सट्रीम बिगनर्स, इन्हीं तीन कॉर्ड्स पे आप वो देख सकते हैं। और जो उसमें अगर कोई कॉर्ड हुई वो वाला पैटर्न भी अभी हम कर रहे हैं। आगे स्ट्रमिंग रहेगी डाउन डाउन
ठीक है, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन, ठीक है डाउन। फिर एक ऐसे बोल सकते हैं आप, एक मिस है, वन टू, ठीक है ये 4x4 पैटर्न का कॉर्ड है, डाउन डाउन अप अप डाउन एक साथ है, डाउन डाउन अप एक साथ है, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, इसी को आपने लेना है। ठीक है, बड़े सारे गाने हैं इनमें। टाइप से, और जो सेकंड स्ट्रमिंग है वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है डाउन अप डाउन अप डाउन एक साथ, अप डाउन अप डाउन एक साथ, छोटा सा डाउन अप फिलर होता है वो, फर्स्ट डे से लेना आप शुरू करना। ठीक है, पॉज नहीं आने देता कॉर्ड में, डाउन अप डाउन अप डाउन, ये रहा ये वाला पैटर्न। फिर आप कर सकते हैं ए माइनर वाला, ठीक है फर्स्ट फिंगर यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट, जो थर्ड फिंगर है वो यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, और जो हमारा सेकंड फिंगर है वो जाएगी फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट ए माइनर। ठीक है, जी मेजर जो हमारी लास्ट फिंगर है वो जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, जो हमारी थर्ड फिंगर है वो उसके ऊपर वाली स्ट्रिंग पे, ठीक है सेम फ्रेट, जो फर्स्ट फिंगर है वो जाएगी फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ठीक है सेकंड फ्रेट, और जो हमारी सेकंड फिंगर है वो जाएगी लास्ट स्ट्रिंग पे सिक्स्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट। जी मेजर ओपन वाला जी मेजर, ओपन ए माइनर, ओपन जी मेजर, ठीक है ये सारे ओपन कॉर्ड्स थे जो भी अभी हमने किए, ये आप कर सकते हैं। यहाँ सी मेजर भी लग जाएगा, ठीक है सेम स्ट्रमिंग। और एक कॉर्ड गाइस जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम लेगा, वो फर्स्ट डे तो नहीं अभी बताना वो रहेगा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा वो करना ही, आप उसको स्किप नहीं कर सकते कभी भी, तो वो है एफ मेजर ओपन। अगर हम लगाएं तो हम दो स्ट्रिंग्स होल्ड करते हैं अपनी फर्स्ट फिंगर से, ठीक है फर्स्ट फ्रेट की दो स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर से, सेकंड फिंगर हो जाती है थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट के, जो फोर्थ हमारी फिंगर है वो जाती है फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट के, और जो हमारी थर्ड फिंगर है फिफ्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट के, ओपन एफ मेजर। और लाखों गाने हैं गाइस इस पे बॉलीवुड के, ठीक है कुछ भी आप कर सकते हैं इनमें। अब इसमें हमने क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, यही ए माइनर है। अगर इसको एक एक स्टेप हम ऊपर कर देना हर एक फिंगर को, इसको एक स्टेप ऊपर कर दिया, इसको एक स्टेप ऊपर कर दिया, इसको एक स्टेप ऊपर कर दिया, तो यही हमारी ई मेजर कॉर्ड भी है। तो इन ऑल हमने कितनी कॉर्ड सीख ली, 8, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा था वो था ई माइनर, सी मेजर, ठीक है डी मेजर, स्ट्रमिंग चल रही है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, ठीक है पानी रंग देख के अखियां झंझोर गए, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, खुश रहा क्यों जुदा, जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है अपना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। बड़े सारे गाने गाइस, देखो 3 ही कॉर्ड चल रहे हैं मोस्ट में, तभी आपको करता एंड तक आप ये वीडियो देखना।
बीच में बड़े लोगों ने छोड़ दिया होगा, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तीन ही कॉर्ड्स, कुछ मुश्किल नहीं है। ये तो दो फिंगर्स वाला है, तीन फिंगर्स वाला, तीन फिंगर्स वाला, प्रैक्टिस करो। एक स्ट्रमिंग पैटर्न जब तक नहीं आ जाता, दूसरे पे मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला अलग, हर एक पैटर्न होगा उसकी एक अलग वो होगी, ठीक है। स्केल की बात होती है कि अलग अलग स्केल है। यहाँ पे बड़े सारे गाने हैं, ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिश हो किसी से भी मिलने की, न की थी कोशिश उलझन मेरी जो जाते बड़े सारे गाने हैं इसमें, मैंने बड़े मैशअप किए हुए हैं इन्हीं कॉर्ड्स में, ठीक है। इसमें 20 सॉन्ग्स थे, उसमें भी कोई 10-15 गाने हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है। स्ट्रमिंग पैटर्न भी वही दो है, कुछ भी आप करें। और कोई आपको लेसन चाहिए हो ऐसा, मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। किस टाइप से चाहिए, क्या आपने सीखना है, शिफ्टिंग, ठीक है, वो वाले सारे मैंने लेसन किए हुए हैं हमेशा, ठीक है। अपने पैर को ऐसे ऐसे साथ में मार लिया करें, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपको F आ गया तो इसी को थर्ड फ्रेट पे मूव करते हैं, यही G है, फिर हमें ये वाला G लगाने की ज़रूरत नहीं है। A माइनर, G मेजर, F मेजर, फिफ्थ पे मूव करते हैं तो ये A मेजर है। बड़े सारे कॉर्ड्स हैं, अगर आपको समझ नहीं होंगे आप मेरे को बताना, ऐसे हम लेसन करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ अच्छा नहीं लगा होगी, मैंने बड़ा जल्दी में बता दिया या बाद वाली चीज़ पहले बता दी, तो मेरे को बताना, ठीक है। नेक्स्ट में हम उसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुराने वीडियोज़ भी देखें, अभी हम ऐसे बड़े सारे और वीडियोज़ करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।